जय हिंद गाइस, आज हम सीखने वाले हैं एंटी फ्रीज यानी क्या होता है। तो एंटी फ्रीज यानी क्या होता है, देखिए हमें पता है कि हम हमारे मोटर्स में कूलेंट ऐड करते हैं, तो कूलेंट जो होता है वो पानी के साथ मिलाया जाता है। अगर कॉन्सेंट्रेटेड है तो हम 50% पानी होता है और 50% कूलेंट यूज करते हैं और वो उसमें ऐड करते हैं। वो इसलिए ऐड करते हैं कि अगर हम किसी जगह पे जाते हैं जिस जगह का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, उससे कम है, तो जो मोटर में जो कूलेंट है यानी वाटर जो हम यूज कर रहे हैं वो तो फ्रीज हो जाएगा। वो फ्रीज हो जाएगा तो वो रेडिएटर को जो वो है वो भी क्रैक करेगा और इंजन पे भी उसका इफेक्ट गिरेगा। तो इसीलिए उसमें एंटी फ्रीज डाला जाता है वाटर में, ताकि वो जो वाटर है उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो लोअर हम कर सके। देखिए जनरली 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है। इस टेम्परेचर पे जनरली वाटर जो है फ्रीज हो जाता है, पर जैसे हम इसमें एंटी फ्रीज ऐड करते हैं तो होता क्या, इसका जो टेम्परेचर है वो और लोअर हो जाता है। तो एंटी फ्रीज यानी क्या होता है, सब्सटेंस एडेड टू वाटर, ऐसा सब्सटेंस जो हम वाटर में ऐड करते हैं टू प्रिवेंट द वाटर फ्रॉम नॉर्मल फ्रीजिंग। तो वाटर को नॉर्मल फ्रीजिंग से बचाने के लिए हम ऐसा सब्सटेंस जो वाटर में ऐड करते हैं उसको हम कहते हैं एंटी फ्रीज। अब इथिलीन ग्लाइकॉल जो है वो हम वाटर में ऐड करते हैं इन रेडिएटर्स ऑफ मोटर। तो मोटर के रेडिएटर्स में जो हम वाटर ऐड करते हैं उसमें इथिलीन ग्लाइकॉल होता है, तो वो जो हम कूलेंट जिसे कहते हैं तो उसमें इथिलीन ग्लाइकॉल होता है। पर आज इथिलीन ग्लाइकॉल का यूज नहीं करते क्योंकि इथिलीन ग्लाइकॉल जो है वो टॉक्सिक है। अगर किसी के पेट में चला जाता है, मुंह में चला जाता है तो उसकी डेथ हो सकती है। तो आज के टाइम में प्रोपिलीन ग्लाइकॉल का यूज किया जाता है कूलेंट में। तो ये क्यों किया जाता है, तो मैंने आपको बताया कि 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो है वो फ्रीज होना स्टार्ट होता है, फ्रीज होता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम कहीं पे जाते हैं और वहां का टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो वाटर जो है वो फ्रीज हो जाएगा रेडिएटर में और रेडिएटर भी ब्रेक हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा और इसका इंजन पे भी इफेक्ट गिरेगा। तो इसीलिए इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है और लोअर किया जाता है। अगर हम ये इथिलीन ग्लाइकोल ऐड करते हैं वाटर में तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट -37 डिग्री सेल्सियस हो जाता है उस वाटर का जिसमें हम इथिलीन ग्लाइकोल ऐड करते हैं। तो एंटी फ्रीज यानी क्या होता है, तो सब्सटेंस एडेड टू वाटर टू प्रिवेंट द वाटर फ्रॉम फ्रीजिंग पॉइंट, यानी फ्रीजिंग पॉइंट को और लोअर करने के लिए जो सब्सटेंस हम वाटर में ऐड करते हैं तो उसको हम कहते हैं एंटी फ्रीज। समझ में आया होगा। मिलते ऐसे किसी टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।